नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अपने प्लस वन की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और आज जो अपने टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है विमाएं। आज का अपना टॉपिक है विमाएं। अब तक जो अपने पढ़ चुके हैं उनके अंदर एक तो आप लोग पढ़ चुके हो मूल मात्रकों के बारे में, जो अपने सात मूल मात्रक थे। उसके बाद में अपने पढ़ चुके हैं पूरक मात्रकों के बारे में, जो अपने दो थे, और उसके बाद में जितने बचते हैं वो अपने कौन से मात्रक होते हैं, वो अपने व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। ठीक है, आज का अपना टॉपिक विमाएं रहेगा। उससे पहले कुछ एक बातें आपको बता देता हूँ व्युत्पन्न मात्रक के बारे में, क्योंकि जब अपने विमाएं टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंदर अपने मात्रकों को काम में लेंगे। ठीक है, और उन्हीं व्युत्पन्न मात्रकों की अपने क्या देखेंगे, विमाएं देखेंगे। तो पहले कुछ एक बातें मैं आपको व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले अपने क्या करते हैं, कोई एक फॉर्मूला लेते हैं, जैसे अपने बल का फॉर्मूला आप सभी जानते हो। बल को अपने लिखते हैं द्रव्यमान गुणा त्वरण से। किससे लिखते हैं? द्रव्यमान गुणा त्वरण से। द्रव्यमान आपको पता है स्मॉल m से, और इसे स्मॉल a से लिखते हैं। तो f इक्वल अपने क्या होता है, f इक्वल अपने m a होता है। ठीक है, अब देखो आपके पास में जैसे मूल मात्रक करते समय किलोग्राम की बात की थी, तो उसका मात्रक kg आपके पास में था। जब अपने लंबाई की बात कर रहे थे मीटर आपके पास में था, समय की बात कर रहे थे तो सेकंड आपके पास में था। वैसे तो बल का मात्रक जो होता है आप सभी को पता है न्यूटन होता है, जिसे अपने एन से लिख रहे थे। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। यहाँ देखो अपने एम की बात कर रहे हैं, एम का मतलब द्रव्यमान हो गया, और द्रव्यमान को अपने किस में मापते हैं, के जी के अंदर मापते हैं। अगर अपने एसआई पद्धति की बात करें, ये अपने पास में ए है, ए का मतलब हो गया वी अपॉन टी, ए का मतलब हो गया V अपॉन T, और V का मतलब होता है S अपॉन T। यहाँ S जो अपने दूरी ले रहे हैं, तो S का यदि मात्रक देखें तो आपको पता है क्या आता है, मीटर आता है, और यहाँ से समय का देखें तो क्या आता है, सेकंड आता है। एक समय यहाँ से और आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। ठीक है, तो आपके पास में बल का जो मात्रक बनेगा वो इन सभी को मिला करके क्या बनेगा, वो बनेगा के जी मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, जिसको आप लोग लिख सकते हो के जी मीटर और सेकंड की पावर माइनस दो। तो ये आपके पास में क्या है, एक व्युत्पन्न मात्रक है, और इस व्युत्पन्न मात्रक के अंदर आप लोग देख सकते हो कि के जी जो है इसे अपने काम में लिया है, एम को काम में लिया है, और सेकंड जो है इसे अपने काम में लिया है। ठीक है, ये आपको पता होगा कि जब जो भाग में होता है उसे अगर अपने ऊपर लेकर के जाएँ तो माइनस का दो लिख देते हैं। ठीक है, ये पावर दो है तो दो लिख दी, तीन होती तो अपने तीन लिख देते। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या है, बल का मात्रक है, ये बल का व्युत्पन्न मात्रक है, और इसी को अपने क्या बोलते हैं, इसी को अपने बोलते हैं न्यूटन। ठीक है, बल के इसी मात्रक को अपने क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। और स्क्वेयर जो अपने लिख रहे हैं इसको यदि ऊपर लेकर के जाएंगे तो एस की पावर क्या लिखेंगे, अपने माइनस का दो लिखेंगे। ठीक है, अब अपने बात कर लेते हैं, अपने जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो अपना टॉपिक है विमाएं। विमा का मतलब क्या होता है, विमा का मतलब होता है विमा वेगातें होती है, विमा वेगातें होती है जो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक बनाते समय मूल मात्रकों पर लगाई जाती है, मूल मात्रकों पर लगाई जाती है। ठीक है, तो विमा का क्या मतलब हो गया, वेग आते जो भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक बनाते समय
मूल मात्रकों पर लगाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि विमा अपने को ये बताती है कि व्युत्पन्न मात्रक बनाते समय जो मूल मात्रक है इसको कितनी बार काम में लिया गया है और कौन कौन से मूल मात्रकों को काम में लिया गया है। ठीक है, तो विमा अपने को क्या बताती है, विमा अपने को बताती है कि मूल मात्रक से व्युत्पन्न मात्रक बनाते समय कौन कौन से मूल मात्रकों को काम में लिया गया और कितनी बार काम में लिया गया। जैसे यही एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने बल वाला, ये जो बल वाला एग्जाम्पल आपने लिया है इसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि आपके पास में ये जो सामने लिखा हुआ है ये क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को अपने क्या लिख रहे थे, इसी को अपने लिखा हुआ था केजी मीटर और माइनस दो। ठीक है, तो अपने व्युत्पन्न मात्रक बनाया है किसका, बल का व्युत्पन्न मात्रक बनाया है, और बल का व्युत्पन्न मात्रक बनाते समय अपने केजी को काम में लिया है, अपने मीटर को काम में लिया है और अपने सेकंड जो है इसे काम में लिया गया है। देखो अपने केजी को कितनी बार काम में लिया है, एक बार काम में लिया है, मीटर को कितनी बार काम में लिया है, एक बार काम में लिया है, और समय को कितनी बार काम में लिया है, दो बार काम में लिया है, पर साथ में क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, अब देखो विमा को लिखने का तरीका क्या रहता है, तो विमा लिखते समय एक तो अपने सबसे पहले इंग्लिश के जो कैपिटल लेटर होते हैं उनको काम में लेते हैं, जैसे लिखा एम एल टी। ठीक है, एम का मतलब ध्यान रखना, एम का मतलब मीटर नहीं होता है, एम का मतलब होता है मास, एम का मतलब होता है मास, जिसे अपने बोलते हैं द्रव्यमान। ठीक है, इसका मतलब होता है मास, जिसको अपने क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं, और एल का मतलब होता है लंबाई, और टी का मतलब होता है समय। तो अपने जो M लिखा हुआ है इसका मतलब द्रव्यमान है, L लिखा हुआ है इसका मतलब लंबाई है, और जो T लिखा हुआ है इसका मतलब समय है। अब देखो अपने विमा लिखते समय आपको क्या क्या नहीं करना है, एक तो आपको ये जो अक्षर है इनके बीच में आपको क्या नहीं करनी है, कोमा नहीं लगानी है। जैसे यदि आप लोग ये लिख देते हो M M L T, अगर आप ये लिख देते हो ये क्या है, गलत है। ठीक है, आपको इनके बीच में क्या नहीं करना है, कोमा नहीं लगानी है। दूसरा, आप लोग अगर ये लिखते हो एम एल टी तो इसे भी गलत माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि विमा लिखते समय अपने को क्या करना होता है, बड़े ब्रैकेट जो है वो लगाने होते हैं। ठीक है, दूसरा आपको ये नहीं करना एम एल टी, अगर आप ये लिखते हो तो ये भी क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि विमा लिखते समय एक तो अपने इनको कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ठीक है, दूसरा अपने विमा लिखने के बाद में इनको जो बड़े ब्रैकेट होते हैं उनके अंदर बंद कर देते हैं। और इसके अलावा आपको ध्यान ये रखना है कि विमा जो है एम एल टी अपने तीन जो राशियां होती है मूल राशियां उनकी लिखी गई है, अगर मूल राशियां और होती जैसे यदि धारा होती तो यहाँ क्या आ जाता, साथ में ए आ जाता, अगर ताप होता तो इसके साथ में क्या आ जाता, के आ जाता, यानी जितनी अपनी राशियां राशियों पर ये डिपेंड कर रही है वो सभी राशियां अपने क्या कर देते हैं, इसके अंदर लिख देते हैं कि कौन कौन सी मूलभूत राशियों पर ये अपनी व्युत्पन्न राशि जो है वो निर्भर कर रही है। ठीक है, यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है ये जो M लिखा है इसका मतलब द्रव्यमान है। ठीक है, यहाँ लंबाई जो है उसे L से लिखा गया, कैपिटल L से लिखा गया है। कुछ एक बातें और, जैसे अपने इसकी विमा की बात कर लेते हैं, बल की विमा की, तो बल की यदि आप लोगों को विमा लिखनी हो तो आप लोग क्या करोगे, इस जगह लिख देता हूँ बल की विमा, अगर आप लोगों को बल की विमा लिखनी हो, जैसे बल की विमा लिख रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, आप लिखोगे एम एल और टी। ठीक है, क्या लिखोगे, एम एल और टी। देखो केजी कितनी बार काम में आया है, एक बार काम में आया है, तो यहाँ क्या लिखोगे, एम की पावर एक लिखोगे। ठीक है, कितनी घात लगा दोगे, एम पर एक लगा दोगे। मीटर में लंबाई कितनी बार काम में आई है, एक बार काम में आई है, तो पावर कितनी लगा दी, एक लगा दी। आगे देखोगे तो यहाँ क्या लिखोगे, दो लिखोगे, क्योंकि समय कितनी बार काम में आया, दो बार काम में आया, और साथ में क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये जो अपने लिखा हुआ है ये क्या है,
बाकी हो रहा है। यदि अपने इसे ऊपर लेकर के जाएंगे तो अपने क्या लिखेंगे, पावर माइनस दो लिखेंगे, ठीक है। तो ये आएगा एम वन एल वन टी माइनस का टू, ये किसकी विमा है, ये बल की विमा है, ठीक है। एक होता है अपने पास में विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, ये जो अपने सामने लिखा हुआ है ये बल का क्या है, विमीय सूत्र है, ठीक है। विमीय सूत्र अपने को क्या बताता है, विमीय सूत्र अपने को बता रहा है कि अपने व्युत्पन्न मात्रक बनाते समय मूल मात्रकों को कितनी बार काम में लिया गया और कौन कौन से मूल मात्रकों को काम में लिया गया, ये किसके द्वारा पता चलता है, अपने को विमीय सूत्र के द्वारा पता लगता है। एक अपने इसके अंदर आता है विमीय समीकरण आती है, विमीय समीकरण। अगर अपने इसके इक्वल में, इसके इक्वल में अपने क्या कर दें, भौतिक राशि को रख दें, जैसे मैंने F लिख दिया और इसके सामने यदि क्या कर देता हूँ, इस विमा को लिख देता हूँ, तो इसी को अपने क्या बोलते हैं, विमीय समीकरण बोलते हैं, M1 L1 T माइनस का 2, ठीक है। M1 L1 T माइनस का 2, ये अपने पास में क्या होता है, विमीय सूत्र, विमीय समीकरण होता है, ठीक। कुछ एक बातें और बताता हूँ आपको विमा के बारे में, देखो ये विमा याद रख लेना, M1 L1 T माइनस का 2। वैसे अपने बहुत सारी विमाओं की बात करेंगे, एक विमा के बारे में आपको बता देता हूँ कि विमा जो टॉपिक है ये आपके यहाँ प्लस वन से शुरू हो जाता है और इसके बाद में आप जितनी फिजिक्स पढ़ते जाओगे हर चैप्टर के अंदर आपको दो तीन विमा जो है वो ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। आपकी बुक की अगर बात की जाए तो 40-50 विमाएँ जो आपकी बुक में लिखी हुई है, परंतु विमा सिर्फ उतनी नहीं है, विमा जैसे जैसे आप लोग पढ़ते जाओगे वैसे वैसे विमा जो है वो आपके आती जाएगी। दूसरी ये कि आपकी बुक में जो विमाएँ लिखी है क्या आपको एक साथ याद करनी है, तो एक साथ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप लोग चैप्टर आगे पढ़ते जाओगे वो सभी राशियाँ हर एक चैप्टर में दो तीन करके आती रहेगी और वहाँ से आप लोग विमा याद कर सकते हो। जैसे उस टेबल की अगर आप लोग बात करोगे तो आप देखना उस टेबल में लिखा हुआ मिलेगा आपको कार्य है, ऊर्जा, शक्ति, ये आपके एक चैप्टर है, ठीक है। वहाँ आप लोग तीनों की विमा पढ़ लोगे। एक जगह लिखा हुआ मिलेगा जड़त्व आगुण, वो भी आपका एक चैप्टर है। गुणन त्रिज्या उसी जड़त्व आगुण वाले में लिखा हुआ है। अगर गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक की बात करें, गुरुत्वीय त्वरण की बात करें, तो जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाओगे वो सभी आपके विमा जो है वो एक एक करके आती रहेगी। तो अब अपने कुछ एक बातें और कर लेते हैं। ये विमीय सूत्र हो गया, ये विमीय समीकरण होगी। एक होता है विमाओं की समांगता, विमाओं की समांगता, ये अपने को बताता है कि प्रत्येक पद की विमा जो है, जैसे कोई समीकरण लिख दी, ये अपने गति की एक समीकरण लिखी है, इस समीकरण की प्रत्येक पद की विमा हमेशा क्या रहती है, बराबर रहती है। जैसे v की जो विमा है, v की विमा किसके इक्वल रहेगी, u के इक्वल रहेगी। v की विमा किसके इक्वल रहेगी, a इंटू टी के इक्वल रहेगी। बात समझ में आई। अभी एक एग्जाम्पल लेंगे, जब अपने विमा के उपयोग पढ़ेंगे तो अपने ये सिद्ध करके दिखाऊंगा मैं आपको कि ये बराबर कैसे रहती है। पर आपको अभी ध्यान रखना है कि v इक्वल यू प्लस ए टी, ये बताता है कि प्रत्येक पद जो अपने होता है, प्रत्येक पद उसकी विमा क्या रहती है, समान रहती है, ठीक है। प्रत्येक पद की विमा हमेशा क्या रहती है, समान रहती है किसी भी समीकरण के अंदर, ठीक है। तो अब अपने बात कर लेते हैं कुछ एक विमाओं की, कि विमा किस प्रकार से अपने लिखते हैं। देखो एक तरफ भौतिक राशियां लिख देता हूं मैं, जैसे अपने बात करें लंबाई की, लंबाई की अपने बात करें चौड़ाई की, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, दूरी और विस्थापन, अभी इन चार पांच की बात कर लेते हैं, फिर अपने चाल की, वेग की, त्वरण की, जड़त्व आघूर्ण की, गुणन त्रिज्या की, उन सब की विमा भी अपने देख लेंगे। तो सबसे पहले ये अपने क्या लिए, राशियां लिए, जैसे दूरी, विस्थापन, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इन सभी राशियों का यदि आप लोग मात्रक देखो तो लंबाई को आप किस में नापोगे, सबको पता है
लंबाई को अपने किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। लंबाई को किस में नापोगे, मीटर में नापोगे, यानी लंबाई का जो अपने मात्रक लेंगे वो क्या लेंगे, मीटर लेंगे। इसी प्रकार चौड़ाई का मात्रक क्या लोगे, मीटर। ऊंचाई का भी मीटर। दूरी को किस में नापते हो, मीटर में नापते हो। विस्थापन को किस में नापते हो, मीटर में नापते हो। ठीक है, अभी बता दूंगा कि दोनों में फ़र्क क्या है इसमें। तो इन सबको आप किस में नापते हो, मीटर में नापते हो। यदि इनकी विमा की आप लोग बात करोगे तो इनकी विमा कैसे लिखोगे, पहले लिख देता हूँ एम एल टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर द्रव्यमान कितनी बार काम में है। जब आप लोग लंबाई का मात्रक लिख रहे थे तो द्रव्यमान कितनी बार काम में आया था, जीरो बार काम में आया था। कितनी बार काम में आया था, जीरो बार काम में आया था। तो इसकी पावर कितनी लिख दी अपने, जीरो लिख दी। लंबाई कितनी बार काम में आई है, यहाँ आप लोग देख सकते हो लंबाई जो है वो एक बार काम में है। कितनी बार काम में आई है, एक बार काम में आई है। क्या जब लंबाई नाप रहे थे तो समय आया उस मात्रक में, नहीं आया, तो यहाँ क्या आएगा, जीरो आएगा। तो जब लंबाई की विमा आप लोग लिखोगे तो क्या आ जाएगा, एम जीरो, एल वन और टी जीरो आ जाएगा। इसी प्रकार चौड़ाई की विमा आ जाएगी, इसी प्रकार ऊंचाई की विमा भी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी एम जीरो, एल वन और टी जीरो। ठीक है, इसी प्रकार दूरी की और इसी प्रकार किसकी, विस्थापन की आ जाएगी। एक आप लोग ये जरूर ध्यान रखना, जैसे ये विमा लिखी हुई है एम जीरो, एल वन और टी जीरो लिखी हुई है, तो किसी की पावर जीरो तो अपने उसे हटा करके सिर्फ क्या लिख सकते हैं, जिसकी पावर दी हुई हो उसे लिख सकते हैं। ठीक है, किसी की पावर जीरो होने का मतलब वहाँ क्या है, टोटल उसकी जगह, इस टोटल की जगह क्या लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है, और एक को किसी से मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं तो एक ही बचता है। तो यहाँ अपने क्या लिखना है, एल वन लिखना है। ठीक है, अगर आप लोग इसे ये लिख देते एम एल टी तो ये क्या होता, गलत होता। ठीक है, क्योंकि किसी की पावर जीरो होने का मतलब ये है, और अगर आप लोग यहाँ कुछ नहीं लिखते तो इसका मतलब भी क्या माना जाता, इसका मतलब भी एक माना जाता। जैसे आप लोग इसे क्या लिख सकते थे, इसे आप लोग ये लिख सकते थे, इसकी पावर कुछ नहीं लिखी, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, एक है। और अगर आप इसे ये लिख देते तो यहाँ पर भी पावर क्या मानी जाती, एक ही मानी जाती, जो अपना क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना कि या तो आप ये कर देना, इसकी पावर जीरो, इसकी एक और ये लिख दो। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो जो राशियाँ ये जिन राशियों पर ये डिपेंड नहीं कर रही है उनको लिखो ही मत, जिस पर डिपेंड कर रही है सिर्फ आप उसी को लिख दो। ठीक है, जैसे ये लंबाई पर डिपेंड कर रही है तो अपने सिर्फ क्या लिख दिया, एल वन लिख दिया। तो ये अपने कुछ एक बातें थी इन विमाओं के बारे में। अब अपने बात कर लेते हैं दूरी और विस्थापन की, दूरी और विस्थापन की। चलो बल्कि विमा फिर से बता दूँ हम आपको, एक बार हटा रहा हूँ इसे। ये अपने इन तीनों की विमाओं की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं दूरी और विस्थापन की। देखो अभी एक तो अपने सिर्फ टॉपिक पढ़ रहे हैं विमा के बारे में, टॉपिक पढ़ रहे हैं अपने सिर्फ विमा के बारे में। ठीक है, तो अपने सिर्फ विमा की बात करनी है, क्योंकि जैसे दूरी अलग होती है, विस्थापन अलग होता है, पर ये आप आने वाले चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। चाल अलग होता है, वेग अलग होती है, इसके बारे में भी आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे। तो आपके टेबल में तो 40-50 राशियाँ दी गई है, और वो किसी न किसी चैप्टर से दी गई है जो बड़े टॉपिक है आपके। फिर भी एक दो राशियाँ मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये तो अपने जस्ट आने वाले चैप्टर में ही पढ़ने वाले हैं। तो ये एक तो राशि है दूरी, और दूसरी राशि है अपने पास में विस्थापन। ठीक है, एक तो है दूरी और एक है विस्थापन। दूरी है एक, और दूसरा क्या है, विस्थापन है। अगर अपने दूरी की बात की जाए, जैसे ये देखो आपके पास में कोई एक पॉइंट ए है और एक आपके पास में पॉइंट बी है। बी तक जाने के आपके पास में बहुत सारे रास्ते हैं, इनमें से एक तो ये है और एक ये है। इसे मैं एक लिख देता हूँ, इसे दो लिख देता हूँ, और इसे मैं तीन लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये पहला मार्ग है, ये दूसरा है, और ये तीसरा मार्ग है। अगर बात की जाए दूरी की, अगर किसकी बात करें दूरी की, तो दूरी का मतलब होगा पथ की वास्तविक लंबाई, वास्तविक लंबाई। पूरा लिख देता हूँ, पथ की वास्तविक लंबाई या तय की गई
वास्तविक दूरी, यानी एक आदमी ए से बी तक जा रहा है और वो कहाँ से होकर के जा रहा है, इस रास्ते से होकर के जा रहा है, ठीक है, इस रास्ते से होकर के जा रहा है वो। तो व्यक्ति के द्वारा जो दूरी तय की जाएगी वो ए से बी तक की जो लंबाई है उसे नापेंगे, और ये लंबाई कौन सी है, ये वाली, ठीक है। अगर इस रास्ते से जाता तो ये इसकी दूरी हो जाती, पर विस्थापन की बात करेंगे अपने तो विस्थापन का मतलब होगा पथ की न्यूनतम लंबाई। पथ की जो न्यूनतम लंबाई होती है उसको अपने क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। जैसे ए से बी तक अगर कोई जा रहा है, जैसे ए से बी तक जा रहा है, उसकी मर्जी चाहे वो इस रास्ते से जाए या इससे जाए या वो इससे जाए, वो कहीं से भी जाए, अगर विस्थापन की बात की जाएगी तो विस्थापन का मतलब होगा ए से बी तक की न्यूनतम सीधी जो दूरी लेंगे वो। तो विस्थापन जो है वो ए बी आ जाएगा, जो कौन से रास्ते से होकर के जा रहा है, दो से होकर के जा रहा है, ठीक है। तो ये जो लंबाई आएगा ना, ये दो नंबर जो पथ लगा रखा है इसकी जो लंबाई आएगी ये तो क्या है, विस्थापन है। और दूरी अगर वो यहाँ से जाता है तो इसकी लंबाई, यहाँ से जाता है तो इसकी लंबाई, और यहाँ से अगर जाता है तो इसकी लंबाई। तो दूरी तो वास्तविक लंबाई होगी जो व्यक्ति के द्वारा तय की जाती है, और विस्थापन का मतलब हो गया न्यूनतम दूरी, ठीक है। ये फर्क है दूरी और विस्थापन में। दूसरा अगर फर्क देखो तो दूरी किस प्रकार की राशि होती है, अदिश राशि होती है, और अगर विस्थापन की बात करें तो ये किस प्रकार की राशि होती है, विस्थापन अपने सदिश राशि होती है, ठीक है। ये अपने फर्क है दूरी में और विस्थापन में। दूरी का मतलब वास्तविक लंबाई, विस्थापन का मतलब न्यूनतम लंबाई, ये अदिश राशि है और ये सदिश राशि है, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं इनकी विमाओं की। तो विमा लिखते समय सदिश अदिश होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, विमा का मतलब सिर्फ इतना है कि वो राशि कितने मूल मात्रकों पर निर्भर कर रही है। जैसे अपने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दूरी विस्थापन सब अलग टर्म होती है, पर इन सब का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो इन सब की विमा क्या रहेगी, इन सब की विमा L1 या L अपने जिसे बोलेंगे उसी को लिख दें। तो अगर आप दूरी की विमा लिखो तो क्या लिखोगे, M कितनी बार काम में, जीरो बार काम में, L कितनी बार काम में, एक बार काम में, समय कितनी बार काम में, जीरो बार काम में। तो ये अपने दूरी और विस्थापन दोनों की क्या हो जाती है, विमा हो जाती है, ठीक है। कुछ एक विमाओं की बात और करें, जैसे अगर आप लोग बात करोगे चाल की, अगर आप लोग बात करो वेग की, उसके बाद में त्वरण, बल, संवेग, कोणीय संवेग, आवेग, बल आघूर्ण, वो सारी बातें शुरू हो जाती है। तो अगर अपने चाल और वेग की बात करें तो चाल जिस प्रकार से दूरी होती है अदिश राशि, उसी प्रकार से चाल भी क्या है, अदिश राशि है। तो चाल का सूत्र लिखते हैं दूरी बटा समय, और वेग का सूत्र लिखते हैं विस्थापन बटे समय, ठीक है, ये इनका सूत्र है। अब देखो अपने क्या करना है, अब अपने चाल की अगर विमा लिखना चाहो आप लोग तो चाल का सूत्र क्या है, दूरी बटा समय है। फर्क शायद आपको पता लग गया, चाल का मतलब दूरी बटा समय, वेग का मतलब विस्थापन बटे समय है। तो ये सदिश राशि आ जाती है और ये अदिश राशि आ जाती है। यहाँ देखो दूरी, तो दूरी का मतलब m0, l1 और t भी क्या, जीरो, और अपोन में क्या है, अपोन में समय, तो सिर्फ क्या लिख देता हूँ, t1 लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ दूरी के अंदर सिर्फ l1 है और समय है, तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ t1 है। इससे ये क्या बनेगा, ये बनेगा m की पावर कितनी, जीरो, l की पावर कितनी, एक, और ये ऊपर जाकर के क्या बनेगा, t की पावर माइनस का वन, ठीक है। ये किसकी विमा आ जाती है, चाल की विमा आ जाती है। इसी प्रकार वेग की विमा भी अगर अपने लिखेंगे तो वो क्या आएगी, m0, l1 और t माइनस का वन आएगा। इसे आप t, ये l1 और t माइनस का वन भी लिख सकते हो। तो ये किसकी विमा आ गई, चाल की, और ये किसकी विमा है आपके पास में, वेग की विमा है, ठीक है। और अगर बात करें अपने तो त्वरण की बात कर लेते हैं, इन्हें हटा देता हूँ और त्वरण की बात कर लेते हैं। त्वरण का मतलब होता है वेग बटा समय। जैसे ही आप लोग वेग बटा समय करोगे आपके पास में किसकी विमा आ जाएगी, त्वरण की विमा आ जाएगी, ठीक है। तो हटाता हूँ पहले इनको, तो त्वरण की विमा की बात कर लेते हैं अपने। अगर आप लोग त्वरण की विमा लिखो, त्वरण की, तो त्वरण को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो वेग बटा
समय, क्या लिख सकते हो, वेग बटा समय लिख सकते हो। और वेग की विमा अभी आप लोगों ने लिखी है m0 l1 और t माइनस का 1, समय की विमा हुई t की पावर 1। इसे जब ऊपर लेकर के जाओगे ये क्या बनेगा, ये बनेगा m0 l1 और t की पावर माइनस का 2। ठीक है, ये जीरो लिखा हुआ है, इसे सीधा लिख सकते हो l1 t की पावर माइनस 2। तो ये अपने पास में किसकी विमा आ जाती है, ये अपने पास में त्वरण की विमा आ जाती है जिसका सूत्र है वेग बटा समय। तो ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है l1 और t की पावर माइनस 2। और जब अपने इसकी विमा की बात कर रहे हैं और इसकी विमा की बात करें, यानी अगर आप दोनों का कंपेरिजन करो, ये देखो अगर दोनों का आप लोग कंपेरिजन करके देखो तो फर्क किसका है, इस पावर का है। t की पावर वहाँ समय पर एक बार डिपेंड कर रही है और यहाँ समय जो है वो दो बार आ रहा है, और दोनों ही बार कहाँ आ रहा है, भाग के अंदर आ रहा है। यहाँ समय दो बार काम में आ रहा है और वहाँ एक बार काम में आ रहा है। तो ये तो आप लोग देख लोगे कि विमा का मतलब होता है व्युत्पन्न मात्रक बनाते समय मूल मात्रकों को कितनी बार काम में लिया गया। बस ये ज़रूर ध्यान रख लेना कि जो भाग में लिखा हुआ है जब आप लोग इसे ऊपर लेकर के जाओ तो ये जो माइनस है ना ये ज़रूर लगा लेना। ठीक है, अभी प्रैक्टिस के लिए आप लोग ऐसा लिख सकते हो कि ये एक बार डिपेंड करता है, दो बार करता है, पर जब आप लोग विमा सीख जाओ तो आप लोग सीधा इसे ऊपर ही भेज देना और लिख देना m0 l1 t माइनस का 1। ठीक है, हो सकता है कि आप पहले अगर ऐसे लिखो ये कि ये 1 है, बाद में देखो कि ये नीचे की ओर है, माइनस लगाओ, और अगर ये माइनस आपका छूट जाता है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि विमा जब भी लिखी जाती है, अगर ये जैसे दो पर ही डिपेंड कर रही है, अगर ये तीन पर कर रही होती और इनमें से किसी भी एक को आप लोग गलत लिख देते, जैसे माइनस की जगह प्लस कर देते, तो जैसे ही आप इसे प्लस लिखते और ये एक नंबर का आता तो पूरा का पूरा यहाँ से एक नंबर कट जाता। विमा के अंदर ऐसे मार्क्स नहीं मिलते कि आपने आधी सही लिख दी है आधी गलत लिख दी है, विमा हमेशा बिल्कुल सही होनी चाहिए, कैपिटल लेटर होनी चाहिए, एम एल टी ए के जो भी है जितनी भी है सभी कैपिटल लेटर होने चाहिए, और क्या लगा हुआ होना चाहिए, बड़ा ब्रैकेट लगा होना चाहिए। ठीक है, सामान्यतः अपने जब काम में लेते हैं तो किसे काम में लेते हैं, एम एल टी को काम में लेते हैं। ठीक है, कम से कम फर्स्ट फिजिक्स में तो अपने एम एल टी को ही काम में लेंगे, लगभग शुरुआत के 6-7 चैप्टर में तो यांत्रिकी के चैप्टर पढ़ेंगे, तो एम एल टी सबको कैपिटल लेटर में लिखना है, बड़ा ब्रैकेट जरूर लगाना है, जिस पर डिपेंड कर रहा है जितनी बार डिपेंड कर रहा है उतना लिख देना है, अगर कोई डिपेंड नहीं कर रहा है तो क्या लिख देना है, उस जगह जीरो लिख देना है। ठीक है, अगर डिपेंड नहीं करता है तो जीरो लिख देना, और या फिर आप क्या करोगे जितनी बार डिपेंड कर रहा है उतना लिख देना, और अगर कोई संख्या भाग में आ रही है, कोई राशि जैसे इसमें भाग में आ रही थी, इसे जब आप लोग ऊपर लेकर के जाओ तो क्या लगा देना है, यहाँ पर माइनस लगा देना है। ठीक है, तो ये अपने विमा आ जाती है। और क्या नहीं करना है आपको, आपको बीच में कोमा वगैरह कुछ नहीं लगाना है, जैसे यहाँ अगर आप लोग कोमा लगा देते हो वो क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा, स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है इनको। ठीक है, स्मॉल लेटर में अगर लिखोगे तो वो भी क्या होगा, गलत माना जाएगा। यहाँ से अगर बल की विमा आप लोग लिखना चाहो तो थोड़ी देर पहले मैंने बल के बारे में आपको बताया था कि बल का जब सूत्र लिखते हैं तो वो द्रव्यमान गुणा त्वरण लिखते हैं, क्या लिखते हैं, द्रव्यमान गुणा त्वरण लिखते हैं, तो साथ में किसकी विमा और आ जाएगी, द्रव्यमान की विमा भी इसके साथ में आ जाएगी। ठीक है, तो लिख देता हूँ बल की विमा, उसके बाद में फिर अपने कल की क्लास में आगे की विमाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो अपने बात कर लेते हैं बल की विमा कि बल की विमा क्या लिखते हैं, बल का सूत्र द्रव्यमान गुणा त्वरण होगा, द्रव्यमान गुणा त्वरण किसका सूत्र है, बल का सूत्र है, और इसे आप लोग क्या लिख सकते हो, द्रव्यमान गुणा त्वरण को, द्रव्यमान का मतलब एम हो गया, त्वरण का मतलब क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, द्रव्यमान का मतलब एम हो गया और त्वरण का मतलब स्मॉल ए हो गया। अगर एम की अगर आप लोग बात करो तो आप लोग लिख सकते हो, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, यानी त्वरण लिखा हुआ है, और त्वरण की विमा आपके पास में ये देखो इस जगह है, तो त्वरण की विमा तो आप लोग सीधा लिख दो ये से एम जीरो एल की पावर 1 और टी की पावर माइनस 2। और एम की जब विमा लिखोगे तो वो क्या आएगा, वो आएगा एम 1 और बाकी सब की पावर 0। जब सबको एक साथ लिखोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा एम 1 एल 1 टी माइनस का 2। ये किसकी विमा है, ये आपके पास में बल की विमा है, एम 1 एल 1 टी माइनस का 2।
ठीक है। इस प्रकार आप लोग क्या कर सकते हो, M1 L1 T-2 बल्कि बीमा जो है वो लिख सकते हो। अपने कुछ एक बीमाओं की बात और करते हैं।